गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स इस घोघटिया ब्रांच में। देखिए, हमारे घोघटिया ब्रांच में अभी क्लासेस के दौरान ही मैं आप लोगों को कल से जो स्टार्ट होने जा रही है अग्निवीर योजना, उसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्या बताऊँगा कि आप इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये नई शुरुआत है, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है मेरे भाई, जो भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इतना बड़ा योजना आप लोगों के बीच आया है, जिसका नाम दिया गया है अग्निवीर। अग्निपथ करके आप लोग देखते होंगे अक्सर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों। कई सारी बातें तो मैं दो दिन लाइव आके बताया भी फेसबुक के माध्यम से, लेकिन आज बताऊँगा आप लोगों को कि इसमें कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर्म कल से फिलअप होना शुरू होगा, लास्ट डेट इसका 5 तारीख को रखा गया है, अगले महीने जुलाई में है ना, यानी 24 जून से 5 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। रजिस्ट्रेशन फी कैसा रहेगा, 250 रुपीज़ करके हर एक कैंडिडेट। देखिए, यहाँ पे SC ST चाहे गर्ल्स कैंडिडेट, कई सारे वैकेंसी में ऐसा होता था कि उसका फी कम लिया जाता था, जैसे 100 रुपीज़, या फी नहीं लिया जाता था, बॉयज़ को 500 या 700 दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, सभी को इक्वल, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी को 250 रुपये। रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना रखा गया बताइए, 250 रुपये, पहली बात नोटिस करने के लिए। हाँ, दूसरा, अप्लाई कौन कर सकता है इसमें, इसकी डिग्रियां क्या होनी चाहिए आपके पास, मार्क्स किस इस पेपर वाइज कैसा होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मुरली सर देंगे। मुरली सर के मैं बुलाता हूँ कुछ देर में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, मैं आप लोगों से कहूँगा, प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग सिंसियर होके सुनिएगा, इस बात को समझिएगा ध्यान से, कि अगर आपका एज नहीं हुआ है या किसी बच्चे का 10th में इंग्लिश में अगर स्कोर जो मांगा जा रहा है, जैसे सर बताएंगे अभी, उससे अगर आपका कम है, तो फिर भी आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि 12th लेवल पे आपका स्कोर उससे अबव हो जाए, यानी समझिए मिनिमम 50% से अबव हो जाए, 60, 70, 72, 75 नंबर लेके आए आप इंग्लिश में, है कि नहीं, आपका रिजल्ट भी बढ़िया कहलाएगा। तो वो सारी बातें आप लोग को बताता हूँ, जिनका एज अभी नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, वो अगले साल या उसके अगले साल जब आपका एज हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे हमारे बीच अभी हैं, वैसे तो मैं अपने स्मार्ट क्लास के हर एक बच्चों से मैं कहता हूँ इस योजना से जुड़ना है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। देखिए मेरे भाई, कि महज 4 साल की ड्यूटी होगी, और 4 साल में आपका अच्छा खासा ट्रेनिंग, बैंक बैलेंस आपका अच्छा खासा, एक नहीं कहते डिसिप्लिन में रहोगे आप लोग, आपका कैरियर बहुत ही अच्छा बदलेगा, बहुत तरह की सुविधाएँ आपको मिलेगी, है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दें कौन कौन बच्चे अप्लाई करते हैं। ये मुरली सर बताइए इन बच्चों को कि कौन कौन से बच्चे इसमें फिल कर सकते हैं कल से, फॉर्म कल से स्टार्ट होने जा रही है। यह जानकारी मैं YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, और आप लोग भी साझा कीजिएगा। वैसे तो कई सारे यूट्यूबर बताते हैं इसके बारे में, लेकिन स्पष्टता नहीं होती है, मैं बहुत कम समय में आपको सटीक जानकारी, सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए मुरली सर बताइए एक एक करके, आ जाइए, फोन ले लीजिए। First of all, I would like to say Jai Hind to all, because I am going to discuss about the Agnivir Yojana, Agnivir scheme. What is the important fact and what is the beneficial part of this scheme? तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इसका क्या beneficial part है, यानी कि कौन सा इसमें बच्चे join कर सकते हैं इसको, यानी कि इसका कौन सा लाभ उठा सकता है कौन कौन से students, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से इफ़ आई टॉक अबाउट दिस स्कीम, तो आई थिंक इट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, और ऑल ऑफ अस कहने का मतलब है कि हम सभी के लिए नहीं, लेकिन जो इसके अंतर्गत आते हैं कुछ स्टूडेंट्स, उनके लिए हमें जागरूक करवाना सबसे पहली तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 10th 12th में रहते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है एग्जैक्ट कि क्या ये स्कीम है और क्या इससे होने वाले फ़ायदे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही देखिए कितना तरह ट्रेन में आग लगा दिया, और मुझे लगता है कि उसमें से 70-80% बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता है कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, है ना, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये उनको पता नहीं होता। चूँकि हमने एक छोटा सा वीडियो भी देखा था कहीं, क्लिप, वीडियो क्लिप, तो उसमें एक मीडिया वाला पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं तो बताइए कि किस लिए बैठे हुए हैं, है ना, तो उनको ये भी नहीं पता था एग्जैक्ट कि क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को कमी रहता है। क्या हुआ सर, कौन भैया बुलाए थे? हाँ, उनको एक मनीष भैया बोले, क्या कि उनको मनीष भैया बुलाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है एग्जैक्ट कि ये स्कीम है क्या,
है ना। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही लाभदायक है आप सभी युवाओं के लिए जो इच्छा रखते हैं जाने का कहां पर वीर में, यानी कि देशभक्त बनने। अगर देशभक्त तो हम कह सकते हैं कि हर वो व्यक्ति है जो देश के लिए कुछ काम करे। ज़रूरी नहीं है कि जो आप आर्मी में हैं तो ही देशभक्त हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप टीचर हैं, जैसे कि मैं अभी टीचर हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे मेरे भी क्या है कि मुझसे कुछ सीख रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक देशभक्ति होती है। तो मैं इस चीज़ का बात थोड़ा साइड करूँगा, हालांकि हर व्यक्ति अपने आप में देशभक्त होते हैं अगर कुछ वो देश के लिए कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नहीं आ रहा इसमें, बेनिफिट फायदा क्या है इससे समझिएगा। ये जो योजना है आपका, वह इसमें जो एज है, सबसे पहले हम अगर बात करें एज का, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर उसका प्रोस्पेक्टस आप पढ़िएगा तो 17 साल है ना 6 महीना, यानी कि 17 साल 6 महीना के बाद ही आप भर सकते हैं। अगर आपका एज 17 साल 6 महीना के बाद हो रहा है, यानी कि उतना, या तो कम से कम इतना पूरना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कितने साल तक, 21 साल तक, यानी कि 21 ईयर तक यहाँ पर क्या है आपका एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, अब समझिएगा एज की तो जानकारी यहाँ पर है, 17 साल 6 महीना से लेकर के 21 साल तक के जो बीच में बच्चे, अगर आपका अगर मान ले बर्थ डेट ऑफ बर्थ है तो वो आप एप्लीकेबल है उस चीज़ को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इनका एलिजिबिलिटी का, यानी कि अगर बात करें क्वालिफिकेशन का, यानी कि आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक होनी चाहिए, यानी कि इस फील्ड में जाने के लिए अग्निपथ जो अग्निवीर योजना है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें, यानी कि इसमें अगर इच्छा है कि हम जाएं, तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए, और उसके लिए आप कितना मतलब कौन कौन सा जो कोर्सेज आप किए रहेंगे। तो हम समझिएगा 10th जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 10th एंड 12th, लेकिन 8th वाला का मैं इसीलिए जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि बहुत का तो एज भी नहीं पूरा होगा, है ना। 8th क्लास का जो बच्चा होगा उसका बहुत सारा का एज भी नहीं पूरा होगा, है ना, तो जिसके वजह से हम अभी 8th का बात छोड़ करके बात करेंगे, क्योंकि 8th में बच्चा को कितना ज्ञान ही रहता है, वो क्या जा करके वहाँ करेगा, है ना। इससे अच्छा है 10th एंड 12th पर डिस्कस थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10th और 12th की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आप किसी भी जो स्टेट है, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से आप 10वां पास यानी कि या 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास या 12th पास होना चाहिए। इसमें आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, समझिएगा, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो आप फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में जो मार्क है वो आपका 50 या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। किस में, इंग्लिश में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं उससे बहस नहीं है, आपको इंग्लिश में एटलीस्ट 50 मार्क्स होना चाहिए या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात ना। मैं खुद इसके लिए तैयार नहीं हूँ अभी, चूँकि मैं जब 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे खुद 46-47 मार्क आया हुआ है, तो इसीलिए मैं भी इसमें नहीं जा सकता हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस। तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, देशभक्ति मैंने पहले ही बोल दिया, देशभक्ति सिर्फ वही थोड़े होते हैं जो आर्मी ही में जाते हैं, मैं तो खुद पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक प्रकार का देशभक्ति ही होती है अपने आप में। खैर, तो अगर आपका जो 50 मार्क आ गया है इंग्लिश में या इससे ज़्यादा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, अग्निवीर में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हाँ, डॉक्यूमेंट से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कैसे कैसे होगा, आपका जो प्रोसेस है होने का, यानी कि ये जो आर्मी बनने का सपना है वो आपका कैसे पूरा हो सकता है इस के तहत, यानी कि इस प्लान के तहत। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसमें आपको सबसे पहले जो होगा वो फिजिकल होगा, फिजिकल में आपको मेन रूप से दौड़ पर फोकस करना है अच्छा से। ठीक है, दौड़ भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पे करके होगा, ऐसा कुछ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसमें आपको दौड़ जो रहेगा 1.6 किलोमीटर का दौड़ रहेगा, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1600 मीटर। ठीक है,
और बहुत कम है 1600 मीटर, कोई बड़ी बात नहीं है 1600 मीटर। अगर जो आप पहले से तैयारी करते होंगे तो ये शायद आपको इजी लग रहा होगा कि 1600 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बात उठती है कि 1600 मीटर ज़्यादा नहीं है या कम है या क्या है। एक्चुअल वह टाइम पर डिपेंड कर जाता है कि आपको कितना टाइम मिल रहा है उस चीज़ के लिए। तो आपको जो ग्रुप वन में मिलेगा वह 5:30 मिलेगा, 5:30। और अगर ग्रुप सेकेंड की बात करें तो उसमें आपको 5:31 से लेकर 45 तक आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 5:31 से 45 तक आपका, 45 मतलब 5:45 तक का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें आपको सिलेक्शन होगा, उसके बाद जाकर के जो अगला है हमारा, तो फिजिकल तो हो गया, सेकेंड जो है आपका, इस पर आपको मार्क्स भी दिया जाता है और भी इससे, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम डिटेल्स में बताएं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप जा करके इसको वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो फिजिकल जो है आपका 1.6 किलोमीटर का दौड़ होने वाला है, ग्रुप वन ग्रुप टू में होने वाला है, जिसके लिए आपको समय इतना दिया जाएगा ग्रुप वन में, और ग्रुप टू में जो है वह इतना समय दिया जाएगा। उसके बाद जो आता है आपका मेडिकल, मेडिकल में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जो फिजिकल में पास किए हो, क्वालिफाई किए हो। यानी कि अगर फिजिकल में आप पास कर चुके हैं, इसमें पास कर गए हैं, तो आपको आपको अगला राउंड जो होगा वो मेडिकल का होगा। मेडिकल का मतलब होता है बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपका पूरा बॉडी का चेकअप करते हैं कि कोई बीमारी वगैरह ना हो, या अगर है तो उस चीज़ के लिए भी टाइम दिया जाता है, 5 से 14 का इसमें टाइम दिया गया है। उसमें आप सुधार कर सकते हैं और फिर से वहां जा सकते हैं मेडिकल के लिए। लेकिन अगर 5 से 14 के अंदर अगर आप वो चीज़ को सही नहीं कर पाते हैं तो शायद नहीं होगा, आप अनफिट माने जाओगे। तो ध्यान से समझना बात, मेडिकल, मेडिकल में आपको जो टेस्ट होगा वह आपका आईज का होगा, ईयर का होगा, मतलब पूरा होल पार्ट्स ऑफ बॉडी का होगा, समझ में आ रही है बात ना। उसके बाद जो है मेडिकल में जब आप सेलेक्ट कर जाओगे मेडिकल में, तो उसके बाद जो होगा आपका सीईई, सीई का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि एक सामान्य तौर पर आपका एग्जाम लिया जाएगा सभी स्टूडेंट से। कौन से सभी स्टूडेंट से? जो दोनों ये राउंड को पास करके आगे बढ़े होंगे उससे, ठीक है ना। और इसके लिए मात्र आप 250 रुपये, जैसे कि सर बताए भी थे 250 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का लगता है, तो निश्चित रूप से आप करवाएं। क्योंकि देखिए हर चीज़ में क्या होता है ना कि आप शुरुआत से लगे रहोगे तो निश्चित रूप से होगा वो चीज़, है ना। अगर आपकी इच्छा है जेन्यून कि हम जा करके देश का रक्षा करें, देश का सुरक्षा करें, देश के प्रति अपना मतलब वो पूरा समर्पित रहें, तो निश्चित रूप से 250 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सीईई, सीई मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये आपका तीसरा राउंड हो जाएगा। मतलब जब आप फिजिकल को मेडिकल को क्वालिफाइज कर जाओगे तब आपका सीई होगा, और उसके बाद जाकर के आपका जॉब लगेगा, ठीक है उसमें। अब जॉब लगने के बाद कई सारे चीज़ें हैं, जैसे कि जॉब लगने के बाद आपका सैलरी पर मतलब ध्यान रहेगा, हालांकि सैलरी पर तो सबको ध्यान रहता है ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सैलरी पर तो ध्यान रहना ही रहना है, क्योंकि उसके बिना आजकल ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। कहता है कि पैसा कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ पैसा बहुत कुछ होता है, पैसा कुछ नहीं होता है ऐसा कहना गलत है। अगर आप, इफ़ यू डोंट हैव मनी आई थिंक यू विल अनेबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करें तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है अभी पैसा के लिए बात करेंगे तो वो आपको सर बताएंगे कि सैलरी कैसे क्या है। जैसे कि सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सैलरी में आपका क्या रहेगा, एक तो एज आप लोग जान ही गए, आपका डिग्री क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन बच्चे जा सकते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या लगेगा, यह भी पता चल गया आप लोगों को, है कि नहीं। कल से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है ये भी मैंने आपको बता दिया कि 5 जुलाई को लास्ट डेट है इसका, है कि नहीं। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन सब आएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, मैथ्स रीजनिंग जीएस सबका, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सब आएगा। और यह ड्यूटी जो आपका होगा कितने दिनों का होगा बताइए, ओनली 4 ईयर, है नहीं, 4 साल के लिए आपका सिर्फ ये कहने, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा बताइए, रिटायरमेंट। लेकिन क्या सभी का रिटायरमेंट नहीं, 25%, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं तो 100 बच्चे में कितने बच्चे कंटिन्यू रहेंगे, 25 बच्चे समझिए, 25 बच्चे कंटिन्यू जॉब में रहेंगे। वो कौन से बच्चे होंगे 100 में, मेरे भाई वही बच्चे होंगे जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जो बच्चे वहाँ पे डिसिप्लिन में रहेंगे, एक सही तरीके से ड्यूटी करेंगे अपना, है कि नहीं, उन बच्चों को लगातार नौकरी रहेगी मेरे भाई, उनको निकाला नहीं जाएगा जॉब से। और हाँ, जिनका थोड़ा सा अच्छा से काम करने का तरीका बढ़िया नहीं होगा, ड्यूटी बढ़िया से नहीं करते होंगे, है कि नहीं, उन बच्चों वहाँ से क्या करेगा, निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद से। लेकिन क्या 4 साल के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, हम युवा को बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप ट्रेंड हो जाओगे,
किस तरीके से कि आप एक फौजी के, है कि नहीं, गन चलाना, किसी के साथ कैसे फाइट करना है कि नहीं, हर तरीके से आप सक्षम हो जाओगे। साथ ही साथ आपको क्या सब मिलेगा इसके लिए, तो मिलेगा मेरे भाई आपको, देखिए वैसे तो सुने होंगे 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी, नहीं देखिए पर मंथ सैलरी जो आपको मिलेगा, बाकी तो आप कुछ कट भी जाएंगे, यानी 21,000 रुपये 21,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। और जो पहले साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 12 महीने आपके कितने हो जाएंगे बताइए, 252,000 रुपये आपका फर्स्ट ईयर का हुआ 12 मंथ में, ठीक है ना। बाकी कुछ पैसे सुने होंगे 30,000 पर मंथ, लेकिन कुछ पैसे आपको कटते जाएंगे उसमें से, ठीक है। उसके बाद दूसरी साल की मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर की बात चल रही है मेरे भाई, ये फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर की मैं अगर बात कर लूँ, सेकेंड ईयर की बात कर लें, तो आपका पर मंथ यहाँ जो होगा वो होगा 23,100 रुपये पर मंथ, कितना होगा बताइए, 23,100। और 12 महीने की बात कर दे तो कितना हो जाएगा, 277,200 रुपये, ठीक है। अब थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर कैसा रहेगा आपका, देखिए थर्ड ईयर की बात करें तो ये आपका रहेगा यहाँ पे, थर्ड ईयर की बात करें तो 25,000 यानी 25,580 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। अब 12 महीने में ये कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट क्या हुआ यहाँ पे, 3,06,960। अब देखिए लास्ट के फोर्थ ईयर जब आप रिटायरमेंट के एज में आओगे, समझिए पहले आप लोग सुनते थे ना 60 ईयर में रिटायरमेंट, नहीं मेरे भाई, अब इस अग्निवीर योजना में सिर्फ 4 साल आपको ड्यूटी दी जाएगी, सिर्फ 4 साल। ये 4 साल सिर्फ काम नहीं, आपको डिग्री भी मिलेगी, आपको इसके लिए कह सकते हैं जो बच्चे 10th के बाद जाएंगे उन्हें 12th का एक ग्रेड भी मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, कई सारे बहुत ही अच्छी योजना है मेरे भाई। देखिए फोर्थ ईयर लास्ट के चौथे वर्ष आपका जो सैलरी होगा वो होगा 28,000 रुपीज़ 28,000 पर मंथ, और 12 महीने में इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाता है 3,36,000 रुपीज़। ओवरऑल टोटल बात कर लो तो कितना हो जाएगा 4 साल में आपका, सबको टोटल कर लीजिए तो 11,72,160 रुपये, कितना मेरे भाई बताइए, 11,72,160 रुपये। और देखिए रिटायरमेंट के टाइम में ना, रिटायरमेंट के टाइम में जो देखो कुछ कुछ पैसा आपका कट रहा, देखो सरकार अपने तरफ से पैसे नहीं देती है, सरकार आपके कमाए हुए पैसे में से ही पैसे देती है। हर साल जो आप देख रहे थे 30,000 पर मंथ सुनते होंगे ना, उसमें से जो हर साल आपका कट रहा है ना मेरे भाई, धीरे धीरे सैलरी आपका बढ़ भी रहा है, समझिए आगे चल के 28,000 तक मिलेगा, तो वो जो मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम में वो मिलेगा आपको 11,71,000, कितना मिलेगा बताइए, 11,71,000 रुपीज़। और टोटल की बात कर लें, टोटल विथ सैलरी के साथ ये तो आपको पर मंथ मिलेगा, आप चाहे तो इस पैसे का घर में खर्च भी कर सकते हैं, है कि नहीं, घर में खर्च भी कर सकते हो, आपको अपने पर्सनल यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन देखिए आप लोग जिस एज में रहोगे ना, क्या गार्जियन कभी पैसे मांगेगी आपसे, नहीं मेरे भाई, आपको गार्जियन पढ़ने के लिए कब तक, ग्रेजुएशन तक की खर्च तो सबकी गार्जियन उठाती ही है। बहुत सारे गार्जियन मध्यवर्गीय परिवार, गरीब परिवार से होते हैं, तो कम से कम अपने बच्चे को आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रेजुएट तो जरूर ही करवा देते हैं, मैंने तो देखा है बहुत बहुत गरीब होते हैं, कह सकते हैं कि उनके पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े नहीं होते, नॉर्मल कपड़े बिना चप्पल के होते हैं अभी भी, लेकिन वो अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। ये हमारी समाज जरूर बहुत बदला है आजकल, है कि नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आपका, देखिए आपसे गार्जियन पैसे मांगेगा नहीं, ये सारा पैसा आपका सेविंग ही होगा, आपको खाना है कि नहीं, आपका रहने का जगह सब कुछ मिलेगा आपको मेरे भाई, सुनिएगा 30 डेज 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी पर ईयर। ऐसा नहीं कि आप 4 साल घर नहीं आ सकते, आप USA जा रहे हो, अब वीजा ऐसा कुछ नियम है कि 4 साल के बाद ये किसी दूसरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रत्येक वर्ष अपने घर 30 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए आ सकते हैं। आप वो छुट्टी 5-5 दिन करके ही ले लो, 10 दिन करके लगातार 30 दिन, बहन की शादी है, कोई काम हो गया तो आप घर आ सकते हैं। उसके साथ मेडिकल, कभी बीमार पड़ जाते हो आप, तबीयत खराब तो जरूर सी बात है ना, किसी की हो सकती है, लेकिन तबीयत खराब होने पे भी आपको छुट्टी मिलेगी वो अलग से। ये 30 डेज नॉर्मल लीव है, ठीक है ना, स्किल लीव आपको एक्स्ट्रा मिले दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ओवरऑल बात कर लें तो आपको खाना रहना सब तो होगा, आपका पूरा सैलरी एक तरह से सेविंग ही सेविंग है मेरे भाई, यानी 11,72,160 रुपये आपका सैलरी का जो होता है 4 साल में वो बचेगा। साथ ही साथ रिटायरमेंट के टाइम में कितना मिलेगा, 11,71,000। ये टोटल की बात कर लें, टोटल की बात कर लें मेरे भाई, टोटल की बात कर लें तो कितना हो जाए आपका, टोटल की बात कर लें तो ओवरऑल मिल गया आपका 23,43,160 रुपये मेरे भाई। देखिए जिस एज में आप ग्रेजुएशन तक की एक डिग्री लोगे नॉर्मल, जिस एज में BCOM, BSc, BA का डिग्री लोगे, उस एज में आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, 23,43,160 रुपये, कितने पैसे होगा बताइए, 23 लाख
43,160 रुपये छोटा रकम है क्या मेरे भाई? नहीं, क्या सिर्फ पैसा दे के आपको 4 साल रिटायरमेंट करके भेज दिया गया? नहीं मेरे भाई, आपको सिखला के ट्रेन करके भेजा गया। उसी के साथ साथ आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखो, जब जिस क्षेत्र में जाना चाहोगे ना, उसकी जानकारी परिपूर्ण लो, पूरी जानकारी लो, जहाँ से भी हो, न्यूज़ से हो, मोबाइल फ़ोन से हो, क्योंकि जानकारी आपके पास हर चीज़ की होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ फौज में, आपका मकसद आगे चल के बैंकिंग का होगा, UPSC BPSC का होगा, आप अग्निवीर से आने के बाद वो भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में 10th के बाद ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मैं चाहूँगा मेरा हर एक बच्चा, अगर एज हो जा रहा है उनका 17.5 साल, तो हर एक बच्चा चले जाए, क्योंकि मेरा पर्पस नहीं है इंस्टीट्यूट चला के पैसा कमाना, मेरा पर्पस है समाज को बदलना। आपने मेरा टैगलाइन भी देखा होगा कि हमारा उद्देश्य है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, जिसमें मैं और एम कुमार सर पूरा योगदान दे रहे हैं इस क्षेत्र में, है कि नहीं? तो मैं आप लोगों से, हर एक बच्चा से कहूँगा, जिनका एज अभी नहीं हुआ है, उनके घर में बड़े भैया दीदी सब हों, उन सबको सजेस्ट कीजिए, अपने रिलेटिव को बताइए, ताकि वे भी अपना इस फायदे का, योजना का लाभ उठा पाए मेरे भाई, समझोगे? तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बताइए, रिटायरमेंट के बाद आपका 23,43,160 रुपये मिलेगा। देखिए सिर्फ ड्यूटी कितने साल की बताइए, सिर्फ 4 साल आपको काम करना है, उसके बाद ऐसा रिटायरमेंट नहीं हो जाएगी कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप आगे चल के चाहे तो UPSC है कि नहीं, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, यानी एक्सेट्रा, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। देखो एक फायदा और क्या है अग्निवीर में जाने का, एक फायदा और बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, देखे होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से, कि अगर मान लीजिए यहाँ से आप रिटायर होके आए, तब मन क्या किया कि नहीं पुलिस सेक्टर में कहीं जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, UP, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे हर जगह आपको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का सेंस क्या है यहाँ पे मेरे भाई, कि आपको कुछ रियायत मिलेगी सामान्य बच्चों की अपेक्षा। मान लीजिए कोई बच्चे अग्निवीर में नहीं गए हैं और वो चाहते हैं कि हम अब चले जाएं SSC में या बैंकिंग में या पुलिस लेवल में तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद, देखना अगर वे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, रिटर्न एग्जाम दे करके उनका मार्क्स आ रहा है मान लीजिए 80 मार्क्स, तब उनको सिलेक्शन हो रही है। लेकिन आप अग्निवीर से आए रहोगे ना, तो आपका स्कोर अगर शायद अप्रॉक्स 60, 65, 62 रहता है ना, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा है कि नहीं अच्छा है? उतना ही नहीं, आपके लिए हर जगह सीट रिजर्व होगा, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगी मेरे भाई। कहना चाहें तो 100% आपके लिए अच्छा है। आप सभी बच्चे, क्या आप सभी तैयार हो इसके लिए? फॉर्म फिल करोगे सभी कल से? तो हम चाहेंगे कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, हर बच्चे इसमें, जिन बच्चों का सारा डिटेल आपको एम कुमार सर बता ही दिए हैं, मैंने सैलरी से डिटेल आपकी जानकारी बता दी, 4 साल का कार्य होगा, फिर उसका रिटायरमेंट होगा, फिर ऐसा नहीं क्या आपका जिंदगी अंत हो गया है, उसके बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ मैं आप लोगों को, और भी जानकारी के लिए आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, अग्निवीर वायु करके ऐसा कुछ वेबसाइट है, उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो कल से फॉर्म फिल करना ना भूलें। हाँ देखिए, हर चीज़ का थोड़ा बहुत हो ही जाता है, दो पहलू, कुछ बच्चों के लिए ज़रूर ये थोड़ा सा अग्निवीर आने से नुकसानदेह भी हुआ है, उन बच्चों के लिए जिनका एज क्या हो चुका है 23 से ज़्यादा हो चुका है। मैंने मुझे सुनने में आया है कि पुरानी वैकेंसी सबको कैंसिल कर दिया गया, कुछ बच्चे सब जो एग्ज़ाम सब दे चुके थे उस सबको अब हटा दिया गया है, ये सब थोड़ा सा गलत हुआ है। मैं चाहता, जैसे मुरली सर बताया कि आंदोलन कर लिए बच्चों लोगों ने, ट्रेन समय आग लगा दिए, देखिए इससे फ़ायदा तो कुछ आपको हुआ नहीं, सब नुकसान आपका, महंगाई बढ़ेगा धीरे धीरे, सब कवर कर लेंगे गवर्नमेंट। लेकिन देखिए मेरे भाई, आप तरीका से करते, आप डिमांड क्या करते, आप डिमांड करते कि 30 साल तक इसका एज कर दिया जाए। मैं भी सम्मिलित होता आप लोग के साथ, मैंने भी NCC किया है कि नहीं, लेकिन चलिए कोई नहीं। लेकिन जिन बच्चों का एज नहीं हुआ है अभी, कहने का मतलब वो बच्चे क्या करें, अपना रोज़ दौड़ करें, क्योंकि दौड़ भी सबसे पहले दौड़ है, 1.6 किलोमीटर, 2 बार आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे करके दौड़ाया जाएगा, है कि नहीं? गर्ल्स बॉयज सबके लिए यहाँ पे बराबर है, फी भी सबके लिए बराबर रखा गया है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एज के लिए आप लोग लड़ाई करते, प्रोटेस्ट करते, दूसरी बात एज के साथ साथ आप क्या कहते कि देखिए पुराना जो कैंसिल करने जा रहे हैं वो मत कीजिए, वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उन बच्चों का जिनका एज खत्म हो रहा, जिनका एग्ज़ाम लास्ट था समझिए, उनके लिए कितनी परेशानी की घड़ी आई है। तीसरी बात क्या होना चाहिए था, जो आप लोग कह रहे थे पेंशन ये वो वगैरह वगैरह, मैं MP MLA सब का पेंशन के ऊपर सवाल उठा देते कि उन लोगों को पेंशन ना दो, जब हम लोग वहाँ, आपको 4 साल के बाद पेंशन नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद आपको ऐसा मत समझना कि पेंशन मिलेगा, आपको एक साथ जो एक मुश्त 23,43,160 मिला, इसके अलावा आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सभी को क्या कहता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच।